हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि एक बहुत ही अवेटेड वीडियो थी और मैं आपको बताने वाला था कि भाई अर्बन क्रूज़र के अंदर 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि अब तक किसी और ने बताई नहीं होगी, और लगभग ऐसी बातें आपको यूज़र ही बता सकता है। तो ये अपनी गाड़ी कुछ पीछे पार्क हुई हुई है, इसके बारे में ही 5 बातें आज आपको बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आज तक अभी तक किसी भाई ने मेरे YouTube पे बताई नहीं होंगी। तो बस आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से जैसे मेरे चैनल को और मुझे आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। आज है मंगलवार दिन और है शिवरात्रि, तो मेरे सब भाइयों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूरा करें। जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, ऐसी दुआ करूंगा, क्योंकि शिवरात्रि को मतलब भगवान शिव जी की पार्वती मैया के साथ शादी हुई थी। इसी उपलक्ष्य में नॉर्थ इंडिया में यह त्यौहार मनाया जाता है, और आज के दिन उनकी शादी के लिए व्रती भी रहते हैं लोग, जो कि शाम को व्रत वगैरह खोला जाता है। और पंडितों का तो एक काम ही है, जात से हम लोग ब्राह्मण हैं इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं और थोड़ा बहुत प्रमोट भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और मेरे सारे भाइयों को पता चल सके कि शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो इसी उसके साथ बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। 1000 years later. ये सबसे पहले गाड़ी का थोड़ा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको और दिखा देता हूँ इसके अंदर की कुछ नई अपडेट जो मैंने की हैं। देख पा रहे होंगे आप, प्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट करने में बड़ी मेहनत लगी है, विदाउट एनी डैमेज जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब जैसी जो चीज़ कंपनी से आती है वैसे करने में थोड़ी मेहनत लगी है, इतनी आसानी से कुछ भी हुआ नहीं है। और ये आपको कंप्लीट वॉक अराउंड में दे दिया है मैंने, और गाड़ी का लुक कुछ आगे से ले सकते हैं आप। मुझे खुद इसका बिल्कुल प्रॉपर एसयूवी वाला फीलिंग आता है, इसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि कोई मतलब कोई बात ही नहीं है इसके सामने, कोई गाड़ी मुझे इस रेंज में समझ नहीं आती। इवन इसमें भी क्या, अगर क्रेटा और सेल्टोस वेल्टोस की बात करें, ये स्कोडा की कुशाक पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं यार, क्या क्या लोग बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुशाक के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, बहुत ज़्यादा उसका हाइप हो रहा मार्केट में, 15-16 लाख रुपये में वो 1 लीटर का इंजन बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं कुछ बताने और दिखाने वाला हूँ आपको। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो स्कोडा वगैरह होती है उसके जो अंतिम दिन होते हैं उसको कबाड़ी भी खरीदने को तैयार नहीं होते। ये अपडेट है लेटेस्ट जो कि मैंने अभी किया है, पहले मेरी कार के अंदर ये नहीं था, ये ब्लैक ही था, आगे का पीछे का ये सारा मैंने इससे सिल्वर कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे गाड़ी की लुक बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं इससे, हाईलाइटेड सा फील होता है, वरना वो गाड़ी थोड़ी ब्लैक सा बोरिंग सा एहसास देती है। पहले मैं इसकी इंजन के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो पांच बातों में से पहली बात है, और इसके इंजन को दिखाते हुए बताता हूँ कि क्या ऐसी बात है जो इसको इसके सेगमेंट में नंबर वन बनाती है। देख सकते हैं कितना हेफ्टी और हैवी लुक है, कंप्लीट इंजन, बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है। ऐसी बात जो कि किसी भाई ने नहीं बताई वो ये है कि जो इसका इंजन है अपने सेगमेंट के अंदर 1500 सीसी के अंदर 140 न्यूटन मीटर टॉर्क लेकर आता है, जो कि लगभग 105 bhp प्रोड्यूस करता है। ये भाइयों ने बताई होगी मगर ये बात नहीं बताई होगी कि अपने सेगमेंट में नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी का सिर्फ इसी गाड़ी के अंदर आ रहा है, जितने पैसों में ये गाड़ी अवेलेबल है। क्योंकि ये गाड़ी अगर आप इसके ब्रेजा के लाइनअप में लेने चले जाएंगे तो उसके अंदर एक मॉडल और नीचे आता है और वो है अपना एलेक्साई मॉडल, तो सोचो लगभग 7 या 8 लाख रुपए में वो बेच रहे हैं, 8 में बेच रहे हैं या पता नहीं 7 में बेच रहे हैं, कुछ ऐसा ही एलेक्साई मॉडल है, उसके अंदर भी आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा, जो कि अपने आप में ही बहुत काबिल तारीफ बात है। कोई भी कंपनी आज की डेट में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन
चार सिलेंडर 1500 का नहीं दे रही है इस प्राइस पॉइंट में। ये इसकी एक बात है और ये इसकी एक खूबी है जिसे जो इसे अव्वल बनाती है। और इसको आप मेरे काफ़ी भाई मेरे से कमेंट में ये पूछते हैं, तो आप आँख बंद करके टोयोटा पे या अगर मारुति में भी जाना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप आँख बंद करके ये गाड़ी ले सकते हैं, परफॉर्मेंस में भी ये गाड़ी आपको कहीं पे पीछे नहीं रहने देगी। लगभग आपकी, देखो मैं कभी किसी को नहीं कहता कि हाई स्पीडिंग करो या ओवर स्पीडिंग करो, गवर्नमेंट के लॉस तोड़ो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आराम से ये गाड़ी 180 प्लस क्रूज कर जाती है। उसके बाद आपके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसको संभालने की, लेकिन गाड़ी 180 प्लस चली जाती है, जो मेरा खुद भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं ऐसे वीडियोस जो है चैनल पर डालना नहीं चाहता हूँ, वरना तो मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस और शॉर्ट वगैरह बना रखे हैं। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें, बट गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इस पहला पॉइंट यही था इसका इंजन जो इसको अव्वल बनाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त और इसका शानदार इंजन है। इंजन से आपको कभी परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी ही नहीं, ये मेरा दावा है एज अ ओनर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं कार को लिए हुए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। माइलेज में मुझे कोई इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लगभग 198 टू 200 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि सेगमेंट में अव्वल ही है मेरे हिसाब से। क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कोई वेन्यू वगैरह कोई भी गाड़ी आप देख लो, जिसको भी आप इससे कंपेयर करना चाहो, किसी में इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं। 1648 mm इसकी टोटल हाइट है, जो कि वो भी अपने आप में ज़्यादा, लगभग क्रेटा सीएट किया सेल्टोस वगैरह में इतनी हाइट आपको मिल जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ग्राउंड क्लियरेंस, जिसमें आप आसानी से इसको थोड़े मतलब अपना 4 इंची 6 इंची के डिवाइडर तो आसानी से इससे टपा सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट था जो कि इस गाड़ी को अव्वल बनाता है मेरी नज़र में, और मैं इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, बाकी कई भाई मेरे इससे सहमत नहीं हो सकते। पर दूसरा इसका पॉइंट यही है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते, इसके अंदर डबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, किसी गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, जिसका लाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाईवे पे अगर आपने कार ड्राइव करी होगी तो आपको ये बात क्लियरली मालूम होगी कि इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो भी डबल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। दूसरी बात ये भी है कि हाई बीम पे आपको सिंगल मिलेगा, लो बीम पे दोनों है, मतलब रोड पे इस तरीके की ऐसी चादर बना देते हैं लाइट की कि आपको बिल्कुल बढ़िया नज़र आएगा। ये इसकी तीसरी सबसे बड़ी बात है जो कोई भी कंपनी इस समय दे नहीं रही है, इसीलिए जो है इसको सेगमेंट में टॉप बनाती है। प्लस फॉग लैम्प जो कि टॉप मॉडल में आते हैं, बट आप लो मॉडल से भी ये फॉग लैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, लगभग 5-6 हज़ार रुपये के ओरिजिनल टोयोटा में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये एलईडी के अंदर है, बल्ब नहीं है, ये एलईडी लाइट्स हैं इसके अंदर, जो कि अपने आप में बड़ी ही शानदार दिखती हैं। तो ये तीसरी बात है जिसमें आगे DRLs, इसके अंदर ट्विन प्रोजेक्टर और रियर LED इसको बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती हैं गाड़ी। बात इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो, और इसकी ग्लोबल NCAP में 4 स्टार की रेटिंग है, जो कि इसे ख़ास बनाती है, और सेगमेंट में ऐसा कोई भी गाड़ी लेके नहीं आ रही। इवन किया सेल्टोस वगैरह भी मेरे हिसाब से 3 स्टार ही रेटिंग है, 4 स्टार उनकी भी रेटिंग है नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी के लिए ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसकी जो मतलब शीट मेटल है बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कितनी ज़बरदस्त है, ये कुछ आगे से लिप ले सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा लग जाएगा कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़्यादा है। टैंक जैसी साउंड है, मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। तो ये कुछ बिल्ड क्वालिटी थी जो आपने गाड़ी की देखी, ये इसका चौथा ऐसा फैक्टर है जो कि इसको बहुत ज़्यादा ख़ास बनाता है और 4 स्टार रेटिंग दिलवाता है, जिसका ही मैं दीवाना हूँ, बहुत ज़बरदस्त है रेटिंग और सेफ्टी भी है। तो ये ब्लेंड है सेफ्टी का, और इसका चौथा पॉइंट है जो कि इसको एक संपूर्ण गाड़ी की तरफ लेके जाता है। अब मैं आखिरी और पांचवा पॉइंट आपको बताता हूँ, और आखिरी पॉइंट ये है कि ये गाड़ी बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगी।
ये इसका सबसे बड़ा की और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड भी आपको मिलता है। तो आप बेस मॉडल से ही वो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिक के जो भी मज़े हैं, या जो लोग फन टू ड्राइव कार चलाना चाहते हैं या जो लोग ऑटोमेटिक ड्राइव ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, वो बेस मॉडल से ही इसमें आपको मिल जाएगा। और कंपनीज़ में कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं बेस से मिलता है, उससे एक मॉडल ऊपर आने के बाद ही ऑटोमेटिक की शुरुआत होती है। तो ये इसका पांचवां और बेस्ट पॉइंट है जो इस गाड़ी को एक संपूर्ण कार बनाता है। चाहे बेस मॉडल ले लें या टॉप मॉडल ले लें, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही माइलेज जो इसको और पूर्ण पे संपूर्ण करती है वो है इसकी माइलेज, जो कि एटलीस्ट मेरी राय, मेरी गाड़ी दे रही है उसका ही मैं बता सकता हूँ, और किसी की गाड़ी क्या दे रही है उसका मुझे नहीं मालूम। मेरी गाड़ी लगभग मुझे हाईवे पे 20 प्लस के आसपास माइलेज दे रही है नॉन एसी, और एसी पे 18 के आसपास दे रही है। प्लस लोकल के अंदर मैं ज़्यादा चलता नहीं हूँ, लेकिन ओकल में वही इसकी 13 से 14 की माइलेज है। तो माइलेज में भी इसमें कोई कमी नहीं है, 1500 cc का इंजन होते हुए जिसका टॉर्क भी इतना हाई है, और BHP में भी कोई इतनी खास कमी नहीं है। तो ये पांच ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मेरे किसी भाई ने शायद कवर करना भूल गया होगा, मैंने सोचा मैं कर दूं और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं अर्बन क्रूज़र के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए, और वैसे कोरोना तो कम हो गया है, फिर भी कोशिश करें कि मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। आपको नज़र आता है तो मतलब इसका जो व्यू है बहुत ही कमांडिंग टाइप का व्यू है और बहुत ही प्रॉपर है। ये भी नहीं है कोई क्लस्ट्रोफोबिक कोई फीलिंग नहीं आती। प्लस हर एंगल से जो ग्लास एरिया है वो एकदम आपके शोल्डर पे आता है।